दोस्तों, आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग, और आपको हमेशा पर्टिकुलर एक भी वीडियो ऐसा नहीं होता होगा जिसमें मैं ये ना बोलता हूँ कि आपको लर्निंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। और देखिएगा, जो लोग कॉन्टिन्यूसली लर्निंग कर रहे हैं तो देखिएगा किस तरीके से वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये बिगिनर हैं और इन्होंने काफ़ी बढ़िया लर्निंग करी है। आज का प्रॉफिट इनका 1.56 लाख का आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो लोग हैं केवल प्रॉफिट्स देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो केवल प्रॉफिट्स देख रहे हैं। हमें प्रॉफिट्स को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उस बंदे ने मेहनत कितनी करी है उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। तो आपको भी वो मेहनत करनी पड़ेगी, उस पड़ाव से निकलना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू विल सी दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो या फिर दिस टाइप ऑफ ट्रेड। तो इसलिए कहता हूं कि लर्निंग एंड अर्निंग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते रहिए। टेलीग्राम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिए जाते हैं, स्विंग ट्रेड स्टॉक भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा, जाके तुरंत क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और स्विंग ट्रेड स्टॉक को चेकआउट करिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल शेयर के बारे में, और मुझे लगता है विद इन 2 to 3 years यानी कि 2 से 3 सालों में ये स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा। इस स्टॉक का भाव यहां से डबल हो जाएगा, और आपको भी विश्वास होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी बढ़िया पोटेंशियल रखता है, काफी अच्छे पैरामीटर हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, प्लीज ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहला देखिएगा, डिविडेंड यील्ड 1.25% का, हालांकि मैं कहूंगा कम है, बट अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आने वाले टाइम में जिस तरीके की ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिटर्न बना के देंगे, मुझे लगता है ये कैपिटल अप्रिशिएट करके बना के देंगे। तो बहुत बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है, बहुत बढ़िया ग्रोथ प्लान है। अगर उसको एग्जीक्यूट कर ले जाते हैं, अगर उसको इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं, देन आफ्टर दैट यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्वालिटी आ गई है, ग्रुप बहुत बड़ा है, तो देखिएगा स्टॉक भी महंगा है। यहाँ पे महंगा नहीं कहेंगे, जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं उस हिसाब से अभी फैक्टर इन नहीं हुए इनके, क्या होता है इनकी बिजनेस की बैलेंस शीट में वैसी चीज फैक्टर इन नहीं हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा पी के वैल्यूएशन में महंगा देखने को मिलेगा। लेकिन उस बिजनेस को जिसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, वो 3 से 4 क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा, और तब आपको ये स्टॉक कंपैरेटिवली काफी सस्ता लगेगा, और आप कहेंगे कि हाँ, ये मैंने सही चॉइस करी थी। और टिकर टेप पे ये सारी स्टडी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 75% ऑफ द देखिएगा जो एक्सपर्ट हैं, वो ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप बेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। मैं आपको बता रहा हूँ, पावर सेक्टर का सबसे बड़ा एक्सपेंशन देखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो ये करेंगे। अगर आप देखेंगे सोलर पैनल, वो ये करेंगे। क्लीन एनर्जी, वो ये करेंगे। सारे सेगमेंट में तैयार हैं, सारे सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन खोलना शुरू कर दिए हैं इंडिया में इन्हें, चार्जिंग स्टेशन इन्होंने क्या कर दिए इंडिया में खोलना शुरू कर दिए हैं। इनके पास खुद का एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा एक ऐसा कंपनी है जो खुद की डिमांड भी अगर उसकी पूरी कर देंगे, तब भी इनको यहाँ पे बहुत बढ़िया वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। तो सारे वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं। आपको पता है आने वाले समय में पावर का क्या पावर सेक्टर का किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, तो उन सब पे काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट बुलिश हैं। रेवेन्यूज कंसिस्टेंट हैं, काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, और अप हुए हैं। अगर आप देखेंगे अप हुए हैं, 2020 में डाउनफॉल आया था, उसके बाद सिनेरियो बढ़ा है, रेवेन्यू अप हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट के मार्जिन भी अप हुए हैं, अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट की एडवाइस के लिए अगर आप देखेंगे तो टिकर टेप आपको देखने को मिल जाएगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ जिस शेयर की, उसका नाम ले लेता हूँ, टाटा पावर। टाटा पावर देखिएगा फिर से फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे, और यहाँ पे देखिएगा जो चेयरमैन हैं वो देखिएगा ये बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आने वाला टाइम इसी चीज़ का है। चंद्रशेखर जी ने अभी देखिएगा अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट बताया जो की पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो आपको चेक करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। द कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो इट्स ईपीसी सोलर बिजनेस। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता है कि पावर का कितना यूज होगा, सोलर पैनल का किस तरीके का यूज होगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी बढ़िया एडिशनल कैपेसिटी को डेवलप करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो आपको एक्सपेंशन देखने को मिली।
सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको फोकस करना है, वो क्या करना है, वो जो इन्होंने कहा है रिडक्शन ऑफ डेप्ट, यानी कि इसका पूरा फोकस क्या है कि अपनी कंपनीज का डेप्ट कम करो, डेप्ट जितनी जल्दी हो सके, चाहे मैं किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। टाटा स्टील जहां पे आपको देखने को मिलता था बहुत बड़ा हैवी डेप्ट देखने को मिलता था, आज आप देख लीजिए बिजनेस में मोमेंटम आते ही, मार्जिन्स के अपडेट होते ही आप देखिएगा वैल्यूएशन क्या है, 4 गुना स्टॉक भागा है, 4 गुना, 265-300 रुपए का स्टॉक आज आपको 1200 का लेवल दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके से मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि उन्होंने डेप्ट कम करें, डेप्ट रिडक्शन पे देखिएगा कंटिन्यू बने हुए हैं, और इन्होंने बताया भी है कि डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं काफी बिजनेस का और डीलिवरेजिंग कर रहे हैं, ही सेड एडिंग दैट डीलिवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज द मेन फोकस, कोर फोकस है इनका, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को आपको चेकआउट करना होता है। तो इन सब चीजों पे वर्क होगा, डेप्ट कम होगा और कंपनी के जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, तो देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पर पैसा डबल होते हुए देखने को मिलेगा, डबल होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं देखिएगा स्केल इन इट्स रूफ टॉप सोलर, सोलर पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, देखिएगा ये चीज आने वाले समय की इतनी बड़ी डिमांड है कि केवल टाटा मोटर्स की डिमांड को भी अगर फुलफिल कर ले जाते हैं तो आपको पता है इनके पास बिजनेस की कभी कमी नहीं हो सकती, कभी भी बिजनेस की कमी नहीं हो सकती, बहुत प्योरिटी स्टॉक है। अभी स्टॉक यहाँ से 20 रुपए गिर जाए, 10 रुपए गिर जाए, 40 रुपए गिर जाए, डजंट मैटर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 4 क्वार्टर की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 क्वार्टर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चीजें दिखने तो लगेंगी, एटलीस्ट दिखने लगेंगी। गिरावट पे फोकस कहाँ करना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिएगा टाटा पावर टाइप विद द कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ग्रिड फॉर AI बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट, टाइप भी कर लिया है, मैनेजमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। That supplies electricity to North Delhi has partnered with the California-based auto grid deploying artificial-based smart energy management system. इस तरीके से आगे देखिएगा प्लान्स को लगातार एग्जीक्यूट करते चल रहे हैं और वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। The firm have launched a unique incentive-linked behavioral demand response program to support effective utilization of a smart meter. तो देखिएगा ये सब चीज़ें आगे टाइम में एड ऑन होंगी, कंपनी के बिजनेस वैल्यूएशन बढ़ेंगे, बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, देन आफ्टर दैट आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए होंगे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक से। स्टॉक आपको देखिएगा 1 साल का चार्ट मैं लेके चल रहा हूँ, मैंने 54 पे बताया था आपको, 54 पे मैंने बताया था ये स्टॉक पे मोमेंटम आएगा, और यहाँ भी देखिएगा आपको एक, अगर आपने यहाँ पे फोकस किया होता तो आपने यहाँ से पैसा डबल होते हुए देखा है। 100 रुपए के लेवल पे स्विंग ट्रेड स्टॉक दिया था, वहां से अगर आप देखेंगे तब भी आपको 25% के रिटर्न बने, 25% के, अगर आपने वो स्विंग ट्रेड स्टॉक पे फोकस किया था, वहीं पर मैंने कॉन्टिन्यूसली जब स्टॉक नहीं चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, 25% के रिटर्न वहां से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन फोकस आपका कहां होना चाहिए कि कितना वेट करना है, कितना वेट आप कर सकते हैं। तो सेम सिनेरियो होगा, तो अगर आपको कहीं पर भी गिरावट पे स्टॉक मिले, लॉन्ग टर्म के लिए आपको 5-7 क्वार्टर के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना है तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।